ये विंटर जैस्मिन का प्लांट है, दिखाई देगा आपको अभी 2 सेकंड के बाद। और इसमें येलो कलर के फ्लावर हैं, तो आज इसी की केयर के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। ये देखिए, अब आपके सामने आ गया है विंटर जैस्मिन का प्लांट। इसमें बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। यूं कह लीजिए कि जैसे कोई सुस्त माली होता है, आलसी माली होता है, उसका फेवरेट प्लांट है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इसको आप वाइन की तरह भी ऊपर चढ़ा सकते हैं दीवार पर सपोर्ट करके, ट्रेलिस लगाकर, और या फिर जैसे मैंने प्लांट की तरह ग्रो किया हुआ है कटिंग कर करके, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसका जो फ्लावरिंग सीजन है जनवरी से लेकर मार्च तक है। हालांकि इसको ठंड भी अच्छी लगती है, क्योंकि नाम ही इसका विंटर जैस्मिन है, लेकिन कई बार क्या होता है, विंटर के आते ही इसमें पत्तों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो घबराएं नहीं, क्योंकि फिर से स्प्रिंग सीजन में, फेब में या जनवरी के एंड में, इसमें ब्लूमिंग होनी भी शुरू हो जाती है। इसको कह लीजिए ये सन लविंग प्लांट भी है। और ये देखिए, मेरा तो ये बिल्कुल ओपन रखा है, सर्दी और गर्मी ऐसे ही रखा रहता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसका लीफ भी, इसके एजिटीज बने रहते हैं। काफ़ी पुराना प्लांट है मेरे पास ये, और इसकी थोड़ी बहुत केयर की और बता दूं मैं आपको। इसकी जो सोयल है, सभी प्लांट्स के लिए वेलड्रेन सोयल की ज़रूरत होती है। देखिए, इसके लिए भी वेलड्रेन सोयल की ज़रूरत है। और ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है इसकी। और जब इसमें जनवरी से मार्च तक इसमें ब्लूमिंग होती है, वो अपने अपने वेदर के अकॉर्डिंग होता है, आप किस जोन में रहते हैं। तो जब तक ब्लूमिंग नहीं आती, इसको आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालते रहिए मस्टर्ड केक का, लेकिन जब ब्लूमिंग आनी शुरू हो जाती है तब अवॉइड करिए, तब मत डालिए। जब तक ब्लूमिंग रहती है तब तक इसमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। और 15 दिन के गैप में और जो बचा हुआ टाइम है ईयर का, उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे आप और प्लांट्स को फर्टिलाइजिंग करते हैं, ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस जब ब्लूमिंग आ जाती है, शुरू हो जाती है, तब इसकी फर्टिलाइजिंग अवॉइड करिए। और वाटरिंग का तो जैसे है, विंटर में जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है वाटरिंग की। ये देखिए, प्लांट पॉट भी टूट गया मेरा, कैसे टूटा है ये। और अब इसको स्प्रिंग के बाद ही मैं करूँगी रिपोर्ट दूसरे नए पॉट में, क्योंकि अभी तो इसमें फ्लावरिंग है और पानी अभी निकल नहीं रहा है इसमें से। ऐसा मतलब ये नहीं कि बह मिट्टी बह के निकल जाए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी वाटरिंग की। वाटरिंग सर्दियों में जैसे और प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है वाटरिंग की, ऐसे ही इसकी भी कम हो जाती है। और गर्मियों में तो डेली पानी डलता ही है, जैसे और प्लांट्स को डलता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो केयर की बात नहीं है वाटरिंग में। बस ये है कि जब टॉप लेयर सूखी हुई मिले आपको, आप वाटरिंग कर दो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 दिन हो, या फिर 5 दिन हो। और इसमें देखिए, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है इतनी इस फ्लावर में। रिपोर्टिंग की जहाँ तक कटिंग की बात है, आप स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग अब उसके बाद ही करूँगी, जब इसकी ये बंद हो जाएगी ब्लूमिंग मार्च में, तभी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। अगर आप इसको वाइन के रूप में चढ़ाना चाहते हैं सहारा देकर, तो आप ये और भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, तो इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, जैसे मैंने की हुई है। इसको ऊपर मतलब लंबा होने नहीं देना, लेंथ इसकी बढ़ने नहीं देनी, और इस वजह से यह बुशी टाइप बन जाएगा और इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, अगर आप इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं।
बस इसके लिए खाद वाद की मैंने आपको बताया, गोबर खाद या मस्टर्ड के का लिक्विड फर्टिलाइजर ब्लूमिंग के लिए आप डाल सकते हैं। और लोकेशन बताया मैंने आपको, मेरा ओपन ही रखा रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इस पर ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा टिप्स एंड केयर एंड टिप्स भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।